हेलो बच्चों, आज की कक्षा में हम हिंदी विषय पढ़ेंगे। हिंदी विषय की पुस्तक का नाम है शब्द पराग। आज हमें हिंदी में शब्द पराग पुस्तक पढ़नी है। यहाँ पर विषय सूची है, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। हमें इसमें पढ़ना है वर्णमाला, कुल वर्ण एक नज़र में, दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द, चार अक्षर वाले शब्द और मात्रा। हम मात्राओं से परिचय करेंगे। तो हमें इतना पढ़ना है हिंदी में शब्दपराग पुस्तक में। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता होगा वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। सभी वर्ण मिलकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं। हिंदी में वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। इसमें से 13 स्वर और 39 व्यंजन होते हैं। 13 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। ऐसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से लिखे और बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से लिखे और बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। कुल 13 स्वर होते हैं। अ आ इ उ री ए आए ओ औ अं आह। हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। आ इ उ री ए आए ओ औ अं आह। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और इससे बनने वाले शब्द भी देखते हैं। पहला है छोटा आ। छोटा से यहाँ पे चित्र में क्या बना हुआ है? अनार। छोटा आ से अनार। छोटा से अजगर। बड़ा आ। बड़ा से आम। बड़ा से आग। छोटी ई। छोटी से इमली। छोटी से इमरती। बड़ी ई। बड़ी से ईख। बड़ी से ईट। छोटा ऊ। छोटा ऊ से पिक्चर में क्या बना हुआ है? उल्लू। छोटा ऊ से उल्लू। छोटा ऊ से उल्लू। छोटा ऊ से उपहार। छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से ऊन। बड़ा ऊ से ऊंट। बड़ा ऊ से ऊन। बड़ा ऊ से ऊंट। बड़ा ऊ के बाद री। री से ऋषि। री से ऋषि। अब यहां पर आपको चित्र पहचान कर सही शब्द से उसका मिलान करना है। आप इसको अपने बुक में पूरा करना, चित्र देखना और शब्दों से उसका मिलान करना। जैसे यहाँ पर है चित्र में अनार, तो आपको इसको जहाँ पे अनार लिखा हुआ है आपको उससे इसको मिलाना है। तो अनार यहाँ पे लिखा है तो अनार को वैसे मिलाएंगे। तो आपको अपने बुक में ऐसे मिलाना है। री के बाद क्या आता है? री के बाद ए। ऐसे एड़ी ऐसे एक। ए के बाद आए। ऐसे ऐनक। ऐसे एम्बुलेंस। ऐसे ऐनक। ऐसे एम्बुलेंस। ए के बाद ओ। ओ से ओखली। ओ से ओढ़नी। ओ से ओखली। ओ से ओढ़नी। ओ के बाद आओ। आओ से औरत। आओ से औजार। आओ से औरत। आओ से औजार। यहाँ
यहाँ पे आपको इसको पढ़ना है, यहाँ पे वर्ड राइट किए गए हैं, आपको सभी वर्ड को पढ़ना है। छोटी ई, जी, बड़ी ई, ए, ओ, छोटा आ, बड़ा ऊ, आओ, छोटा ऊ, आए, बड़ा आ। आओ के बाद क्या आता है? आओ के बाद आता है अंग। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, अंग से अंडा। आ से कोई शब्द नहीं होता है, आ का प्रयोग केवल मात्राओं के रूप में करते हैं। सभी स्वर का प्रयोग मात्रा के रूप में करते हैं और उससे शब्द भी बनता है, लेकिन आ से कोई शब्द नहीं बनता, इसका प्रयोग केवल मात्रा के रूप में होता है। जैसे इसको हम व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में लगाते हैं, यहाँ पे हमने लिखा प्रातः। प्रातः में ता के बाद आह का प्रयोग हुआ है मात्रा के रूप में। प्रातः, अतः, यहाँ भी आह का प्रयोग हुआ है व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में। और सभी स्वर की मात्रा भी लगती है और उससे शब्द भी बनते हैं, लेकिन आह से शब्द नहीं बनता, केवल इसकी मात्रा लगती है। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान है उसको पूरा करना है। आ के बाद, छोटा के बाद क्या आता है? छोटा के बाद बड़ा आ, बड़ा के बाद छोटी ई, छोटी के बाद बड़ी ई, बड़ी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको जो वर्ड बीच में नहीं लिखे हैं उसको लिखना है और उसको पूरा करना है। फिर यहाँ पर आपको चित्र पहचान कर उनके नाम के प्रथम वर्ड पर गोला बनाना है। चित्र पहचानना और उसके नाम के पहले वर्ड पर गोला बनाना। जैसे यहाँ पे चित्र में ऐनक है, तो ऐनक में पहला वर्ड आई होता है, तो आई पर ऐसे आपको गोला बनाना है। ऐसे यहाँ पे आम है, आम में पहला वर्ड बड़ा होता है, यहाँ पे बड़ा है, इसको बड़ा पर आप गोला बनाओगे। यहाँ पे चित्र में इमली है, इमली में पहला वर्ड छोटी ही होती है, तो यहाँ पे छोटी ई पर गोला बनाना है, इमली। आप सभी को इसको अपने बुक में पूरा करना है। अच्छा बच्चों, आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। हम अगली कक्षा में मिलेंगे और व्यंजन के बारे में जानेंगे।